क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी यहाँ दिया है कि सम्मुख भुजाओं ए बी और डी सी के मध्य बिंदु क्रमशः एल और एम है। देखिए ए बी का मध्य बिंदु एल है और यहाँ पे डी सी का मध्य बिंदु एम है। फिर कह रहा है कि ए एम और डी एल प्रतिच्छेद बिंदु परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए एम और डी एल पी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और सी एल और बी एम परस्पर बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखो सी एल और यहाँ पर यह आपका बी एम क्यू पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो हमें दिखाना है कि पी एम क्यू एल, पी एम क्यू एल यह जो आकृति देख रहे हैं एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए देखते हैं दिया क्या है हमारे पास। दिया है ए बी सी डी, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है। और फिर कह रहा है कि एल तथा एम, एल तथा एम क्रमशः ए बी तथा डी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब ये बाकी सब पॉइंट छोड़ देते हैं, तो सिद्ध करना है जो जरूरी था वही मैंने लिखा कि पी एम क्यू एल एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है। चलिए इसका प्रमाण देखिए, ठीक है, इसका प्रमाण देखिए, बहुत ही सिंपल सा है। अच्छा मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आपके पास दिया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ए बी समांतर होगा डी सी के तथा ए बी बराबर हो जाएगा डी सी के। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है ना, तो आमने सामने की बजाय समांतर और बराबर भी होगी, एक समांतर चतुर्भुज है इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए अब मैं अगर मैं देखूं यहाँ पर ए बी के जगह पे मैं चाहूँ ए एल लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है, और समांतर डी सी के जगह पर, डी सी के जगह पे मैं यहाँ पे ये आप यहाँ पे एम सी भी लिख सकते हैं ना। ए एल ए बी की जगह एल लिख दिए और यहाँ डी सी की जगह एम सी लिख दिए, समांतर है तो समांतर का एक उसका कोई भी हिस्सा लेंगे वो समांतर होंगे आपस में। चलिए तथा इसमें एक काम करते हैं, 1/2 से गुणा करते हैं, ठीक है, 1/2 से दोनों तरफ गुणा करते हैं। ए एल समांतर एम सी तथा ए बी का आधा, ए बी का आधा ए एल हो जाएगा और डी सी का आधा हम लोग एम सी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एल तथा एम, एल तथा एम क्रमशः ए बी तथा डी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ क्या हमने देखा आप कि ए एल समांतर हो गया एम सी के और ए एल एम सी के बराबर भी है, अतः यहाँ कह सकते हैं कि ए एल एम, ए एल सी एम, ए एल सी एम एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है ए एल सी एम, यह एक समांतर चतुर्भुज हो गया, समझ रहे ना बात को। और यह समांतर चतुर्भुज इसलिए हो रहा है क्योंकि एक भुजा का युग्म आपका समांतर और बराबर हो गया इसलिए। चलिए अब देखो यह एक समांतर चतुर्भुज हो गया, तो यहाँ पे ए एम बराबर समांतर हो जाएगा इसके और बराबर भी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए एम, ए एम यहाँ बराबर हो जाएगा और समांतर भी हो जाएगा। ए एम बराबर हो जाएगा, ए एम समांतर हो जाएगा एल सी के, ए एम समांतर हो जाएगा एल सी के और तथा ए एम बराबर भी हो जाएगा एल सी के, ए एम बराबर भी हो जाएगा एल सी के, ठीक है। अब देखो एक काम करेंगे हम, इन दोनों त्रिभुजों को पहले सर्वांग सम करेंगे, त्रिभुज ए पी एल तथा, देखो ए पी एल तथा त्रिभुज एम पी डी में, तो इसको हम लोग पहले सर्वांग सम करते हैं। तो मैं यहाँ पे एंगल पी ए एल बराबर में एंगल पी एम डी लिख सकता हूँ, पी ए एल बराबर में पी एम डी, एकांतर कोण से, एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण है इसलिए यह बराबर हो जाएगा। चलिए और दूसरा चीज क्या होगा, तो यहाँ पे देखो ना ए एल बराबर में हम डी एम भी लिख सकते हैं, ए एल बराबर में यह डीएम भी लिख सकते हैं। क्यों क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि एल तथा, एल तथा एम क्रमशः
ए बी तथा डी सी का मध्य बिंदु है, इसलिए हो जा रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसका आधा यह और इसका आधा यह हो जाएगा, तो आपस में बराबर होगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो ये इसके बराबर है तो इसका आधा आधा भी तो आपस में बराबर हो गया ना। चलिए तीसरा चीज, तो एंगल पी एल ए बराबर में एंगल पी डी एम, ये भी एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से, तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे ना, त्रिभुज ए पी एल सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज एम पी डी के। कैसे सर्वांगसम होगा, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से सर्वांगसम हो गया। तो यह दोनों जब सर्वांगसम हो गया तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि ए पी, ए पी बराबर हो जाएगा एम पी के सीपी सी टी से, यह ए पी एम पी के बराबर हो जाएगा, यह आपस में बराबर हो गया। अब देखो चूंकि हम ऊपर दिखाए हैं, यहां पर चूंकि हम लोग ऊपर दिखाए हैं कि ए एम समांतर है एल सी के तथा ए एम बराबर है एल सी के, ए एम बराबर है एल सी के, मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर एक काम करता हूं, मैं ए एम के जगह पर, इस ए एम के जगह यहां पी एम ले लेता हूं या एम पी ले लेता हूं, एम पी समांतर हो जाएगा ना आपके, एम पी समांतर हो जाएगा कि नहीं क्यू एल के। देख लो ए एम समांतर है इस एल 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 सी के, तो यहां पे इसका ये वाला भाग और ये वाला भाग भी तो समांतर हो जाएगा ना जी, समांतर हो जाएगा। तथा अब देखो यहाँ ए एम, ए एम, ए एम की बात करें, यह पूरा है। अच्छा एक और काम कर सकते थे, इसी प्रकार यहाँ पे लिख देते हैं इसी प्रकार, ये चीज छूट रहा है इसमें, इसी प्रकार यहाँ देखो हमने यहाँ पे ए, ये इसके बराबर दिखाया, तो अगर इन दोनों को सर्वांगसम करते तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर हो जाता ना, तो इसी प्रकार मैं डायरेक्ट लिखूंगा, नहीं तो बहुत लंबा चला जा रहा है, तो उसको लिख देता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे कि एल क्यू बराबर में सी क्यू, ठीक है, या क्यू एल बराबर में सी क्यू हो जाएगा ना जी। चलिए ये लिख सकता हूँ ना जी इसी प्रकार, ये भी सीपी सी टी से हो जाता है अगर मैं इसको सर्वांगसम करता तो इन दोनों को, ठीक है। चलो इससे फायदा है हमें, यहाँ पे देखो ए एम इसमें वन बाई टू से गुना करो और इसमें भी वन बाई टू से गुना करो, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे एम पी समांतर है क्यू एल के तथा वन बाई टू ऑफ ए एम, ए एम का आधा, देखो यह बराबर है तो ए एम का आधा यह भी हो जाएगा और यह भी हो जाएगा, तो मैं इसी को लिख लेता हूँ एम पी, और एल क्यू का आधा, एल सी का आधा, इस पूरे का आधा यह भी हो जाएगा यह भी हो जाएगा, तो मैं इसी को लिख लेता हूँ क्यू एल या एल क्यू जो भी है। तो देखिए यह आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हो गई और समांतर भी हो जाएगी, सॉरी यहाँ बराबर है, बराबर भी हो गई और समांतर भी हो गई, तो जब बराबर और समांतर हो गया अतः अतः यह जो आपका पी एम क्यू एल जो है यह आपका क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज, पी एम पी एम क्यू एल एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, हमने यहां से दिखा दिया, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन।